वायरसेस का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। बैक्टीरियोफेज हम किसे कहते हैं, ये हम उस वायरस को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज इसकी इसके स्ट्रक्चर को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फेज का जो वर्ड हमने कहा था कि इसका मतलब होता है ईटर, राइट। सो बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए पर्टिकुलरली हम जिस बैक्टीरिया को देखेंगे वो हम देखेंगे ई कोलाई, या इसे इस चर्चिया कोलाई भी कहते हैं, चर्चिया कोलाई, या इसको ई कोलाई भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक बैक्टीरियोफेज जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, और जो फेज है जिसको हम आज देखेंगे वो है टी फेज। और टी फेज के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो टी फोर फेज जो है इसको हम देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है। ये जो टी फोर फेज है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लें, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये देखने में बिल्कुल टैडपोल की तरह है। टैडपोल आप जानते हैं ना, फ्रॉग की एक स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, टैडपोल, तो ये टैडपोल से रिजेंबल करता है। और बिफोर गोइंग इनटू द लाइफ साइकिल, अगर हम एक दफ़ा अपने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देख लें तो हमारे लिए आसानी होगी आगे उसको समझने में। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी देख भी चुके थे, एक दफ़ा फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर होता क्या है, एक तो आप ये नोट कर लें कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है, और ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको हम साथ लिख भी देते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ये बात अपने जहन में नोट कर लें। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज़ जो नोटेबल चीज़ है वो ये है कि ये तो इसका पूरा हेड रीजन था, ठीक है, हेड ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और इसके अलावा इसकी जो टेल है इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया इसको हम टेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और टेल के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली जो नोट करने वाली चीज़ है वो है टेल फाइबर्स, ठीक है। ये जो टेल फाइबर्स हैं हमारे पास, ये जो सिक्स टेल फाइबर्स हैं, ये आप देख लीजिए, यही आगे बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियोफेज के जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर भी यूज़ होंगे। तो ये सिक्स टेल फाइबर्स यहाँ पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट को हम ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये बेस प्लेट है, ठीक है। और बीच में आप ये देखें, स्टेजेस देखेंगे, ये जो पूरा एरिया इसे हम कहते हैं शीथ, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ब्राउन से जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये है कॉलर, ठीक है, और ये नेक रीजन है। तो ये बेसिकली एक पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल, तो बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो दो स्टेजेस हो सकती हैं उसकी, या फिर वो दो तरह से अपना अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। बिफोर गोइंग इनटू स्टेजेस, अगर हम पहले रिलेशनशिप्स देख लें तो बेहतर होगा। रिलेशनशिप क्या है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज के साथ, या बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के साथ, यानी वो वायरस और जो बैक्टीरिया है, ये एक पैरासाइट है, पैरासाइट, और यहाँ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास होस्ट है, ठीक है। तो पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशन, मास्टर स्लेव रिलेशन, ठीक है। और जो दूसरा रिलेशन है उसे हम कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशन। ये इस तरह से हम इनको क्यों कहते हैं, मास्टर स्लेव क्यों कहते हैं इस रिलेशन को, और इसको होस्ट गेस्ट क्यों कहते हैं, ये अभी आप जब डिटेल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मास्टर स्लेव को हम साइकिल्स को जब हम देखें तो हम इसको लाइटिक साइकिल भी कहते हैं, लाइटिक साइकिल। और होस्ट गेस्ट रिलेशन जो है इसकी, जब हम साइकिल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये लाइजोजेनिक साइकिल है।
अच्छा, अब ये अजीब अजीब टर्म्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल और रिलेशन, ये क्या चीज़ें हैं, इनको आप डिटेल में अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अच्छा, मुझे एक वीडियो मिली थी जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसी वीडियो से आपको, या इसी जो एनिमेशन बनी हुई इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ ये जो पूरा का पूरा साइकिल है बैक्टीरियोफेज का। तो अब मैं ऐसे करूँगी कि मैं उसी वीडियो को प्ले कर दूँगी और उसी के ऊपर आपको समझा दूँगी कि किस तरह से बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है। इस एनिमेशन को आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ, एजुकेशन portal.com, education-portal.com, इसके ऊपर जाके आप इस एनिमेशन को डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपने स्ट्रक्चर में भी देखा, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में एक कैप्सिड होता है जो कि हेड रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर, इसके कोर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए पे मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज में एक टेल कोर होती है और उसके एंड पे 6 टेल फाइबर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ये हेल्प करते हैं न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट करने के लिए, ऐसे ही जैसे हम एक सिरिंज के थ्रू किसी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस खुद रिप्लिकेट नहीं कर सकता, बल्कि उसको हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, और बैक्टीरियोफेज अपनी पसंद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बैक्टीरिया को चूज़ करता है और फिर बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद अपने टेल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरियोफेज अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ वायरस जो है वो दो पॉसिबल साइकिल्स के अंदर एंटर हो सकता है, जिनको हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। एक कहलाता है लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में ये होता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करता है और बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देता है। इसके बाद ये वायरस होस्ट के डीएनए को डिग्रेड करता है, यानी उसे अपना स्लेव बना देता है। इसके बाद वायरस इंश्योर करता है कि वायरस जो है वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी होने दे, यानी उसके न्यूक्लिक एसिड में जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए या आरएनए है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिप्लिकेट हो। इस तरह से सिर्फ वायरस का न्यूक्लिक एसिड रिप्लिकेट होता है और जो बैक्टीरिया का डीएनए है या बैक्टीरिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड रिप्लिकेट होता है जिसके अंदर वायरल डीएनए ट्रांसक्राइब होता है और वायरल प्रोटीन जो होता है वो क्रिएट होता जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स फिर असेंबल हो जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं एक नया वायरस बनाने के लिए। आखिरी स्टेप में ये होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाती है और ये न्यू वायरस रिलीज हो जाते हैं, और ये वायरस रेडी हो जाते हैं बैक्टीरिया के बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, यानी कि न्यू बैक्टीरिया जो होंगे बैक्टीरिया के सेल्स, ये उनको इन्फेक्ट करेंगे। जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के अंदर होता है तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक तो ये कि वो रेप्लिकेट करे और सेल को तोड़ दे, जिसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। दूसरी ये होती है कि कुछ देर वो रुक जाए और एक नए साइकिल में चला जाए, जिसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल ये होता है कि पहले हम लाइटिक में ये होता है कि होस्ट सेल मर जाता है, यानी कि टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया ग्रो या डिवाइड कर रहा होता है तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये होता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज बेसिकली, वो भी उसके साथ साथ ग्रो करता जाता है। ओवरऑल लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि बैक्टीरियोफेज होस्ट के साथ अटैच हो जाता है, अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करता है और फिर लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर हो जाता है, जिसके अंदर फेज का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और इसके बाद डीएनए जो बैक्टीरिया के डीएनए में ऐड हो जाता है उसे हम प्रोफेज भी कहते हैं। जब भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है और अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, वायरस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में ही रेप्लिकेट या डिवाइड होती जाती है और नए सेल्स जो हैं वो आपस में, नए सेल्स के पास यही इन्फॉर्मेशन जाती जाती है। अब यहाँ ये हुआ है कि वायरस ने दो सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। ये साइकिल ऐसे ही चलता है, जैसे जब जब बैक्टीरिया डिवाइड और रीडिवाइड करता जाता है, ये साइकिल कंटिन्यू रहता है और ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक बैक्टीरिया का जो सेल है वो उसको बर्दाश्त कर सके। उसके बाद दोबारा इसके पास चॉइस होती है कि क्या हो सके, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज जो है वो दोबारा से लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है, और लाइटिक साइकिल में एज यू नो दोबारा से बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वो बर्स्ट हो जाती है।
तो ये हमने देख लिया कि बैक्टीरियोफेज के अंदर इसके जो दो लाइफ साइकिल्स हैं वो किस तरह से कंप्लीट होते हैं, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइजोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल या लाइजोजेनिक साइकिल दोनों के स्टार्ट होने से पहले जो एक काम है उसे हम कहते हैं कि जो डीएनए इंजेक्ट हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ये जो फेज़ है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट सब फेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला काम क्या करना है बैक्टीरियोफेज ने, उसने लैंड करना है, तो जो पहला फेज़ या सब फेज़ है उसे हम कह देंगे लैंडिंग। उसके बाद क्या करना है, उसने अपने आप को अटैच करना है बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर। अटैच करने के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो वायरस की टेल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा कि वायरस के अंदर जो एक टेल है उसके दरमियान और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके दरमियान एक वीक बॉन्ड बन जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में यह होता है कि एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम यह करता है कि लाइजोजाइम जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल का कुछ पोर्शन जो है वो डिसॉल्व कर देता है या ख़त्म कर देता है। और इससे हेल्प क्या मिलती है इसको, इससे इसको ये हेल्प मिलती है कि जो इसका न्यूक्लिक एसिड है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेनिट्रेट कर सकता है या बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। और जो लास्ट स्टेप है वो है डीएनए इंजेक्शन का, डीएनए इंजेक्शन यानी कि अल्टीमेटली जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाता है। तो ये हमने देख लिए डिफरेंट फेजेस जो कि थे इंजेक्टिंग के अंदर जो सब फेजेस हम बना सकते हैं वो। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमने बताया आपको कि लाइटिक साइकिल, जैसे कि हमने बात की लाइटिक साइकिल, ठीक है, लाइटिक साइकिल जो है लाइटिक का जो वर्ड है लाइसिस से निकला है, जो कि जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। अच्छा, एक और बात हमने की थी प्रोफेज की, प्रोफेज हम किसे कहते हैं, प्रोफेज हम उस वायरस को या उस फेज को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर ऐड हो जाता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल और एक लाइजोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो वो ऐसा फेज उसको हम कहते हैं प्रोफेज, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आपने देखी होगी टेम्परेट फेज, इसको हम लाइजोजेनिक फेज भी कहते हैं, लाइजोजेनिक। ये वो फेज है जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज है वो लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेट फेज। एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल, उसके अंदर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हम उसे कहते हैं लाइजोजेनिक, ठीक है, लाइजोजेनिक। और जब लाइजोजेनिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो वायरल डीएनए है वो अपने होस्ट क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है और उसके बाद एक लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस उसे हम कहते हैं इंडक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम एक पूरे के पूरे साइकिल को इस डायग्राम की फॉर्म में दोबारा से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी लाइटिक साइकिल के स्टार्ट होने की, और उसमें हमने ये कहा था कि जो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले तो अटैच हो जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है कि अपने जो न्यूक्लिक इन्फॉर्मेशन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद होता यह है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसका डीएनए है, ये अब इसके डीएनए के साथ जो बैक्टीरिया का डीएनए है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वायरस का डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेजेस हो सकती हैं, या तो यहाँ पे हमारे पास लाइजोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है या फिर हमारे पास एक लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। लाइजोजेनिक साइकिल के बल्कि पहले लाइटिक देख लेते हैं, ठीक है। लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये पूरा का पूरा सेल के, ये जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर
हावी हो जाता है और ये सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है, यानी सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन ही रेप्लिकेट होती जाती है और हमारे पास ढेर सारी कॉपीज़ बन जाती हैं वायरल प्रोटीन की और वायरल डीएनए की। ये जो प्रोटीन और डीएनए बने हैं, इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये अपनी शेप्स बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड्स बनते जा रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अलग आती जा रही है। इससे नेक्स्ट स्टेज में ये होता है कि ये जो हेड्स हैं, ये डीएनए और हेड्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद एक पूरे के पूरे वायरस की फॉर्म बना देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ से ब्रेक हो जाती है और ये पूरा का पूरा लाइटिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसमें क्या है कि यहाँ पे वायरसेस जो हैं वो डिफरेंट रिलीज हो जाएंगे और ये वायरसेस रेडी होंगे एक नए बैक्टीरिया को जो है अटैक करने के लिए। अब अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फेज डीएनए है, जब उसने अपने आप को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद ये ऐसे कर सकता है कि ये बैक्टीरिया की जो नॉर्मल डिवीजन हो रही है ये भी उसके साथ इसी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड किस तरह से होगा, जैसे कि नॉर्मल फिशन रिएक्शन होता है जिसमें बैक्टीरिया एक से दो में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया और उसके बाद यहाँ पे इसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी बन गई। और इस तरह से जब अपने नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे, इस तरह से दो सेल्स बनेंगे और दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो यहाँ पे इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है वो बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज का यानी कि जो वायरस है ये इसकी इन्फॉर्मेशन का भी होगा। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट वायरल डिजीज़ को और HIV वायरस को डिटेल में देखेंगे।